Oh my God! घाव देख के साफ लग रहा है, गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। सर, गोली आर पार हो गई है। ये आदमी ऐसे गिरा है, मतलब गोली इस तरफ से चली है। बुलेट यहीं कहीं होनी चाहिए, चेक करो सर। सर ये देखिए सर, गोली का ही निशान है। हाँ सर। गोली कहाँ गई? गोली सर यहाँ पे तो गोली नहीं है। गोली नहीं है, गोली कातिल कहीं अपने साथ तो नहीं ले गया? हो सकता है सर। कौन है ये आदमी? सर ये हमारा कस्टमर है राजा। किसने मारी गोली? पता नहीं सर। तुम्हारे यहाँ पे किसने से गोली मार दी और तुम्हें पता नहीं? इसके साथ में कोई और भी था? वो तो यहाँ अकेला ही था साहब। तुमको कैसे पता? सर ये जूली का बहुत बड़ा फैन था, रोज इसे मिलने आता था और ये मेकअप रूम भी इसी का है। तो तुम्हें तो जरूर पता होगा कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। वो यहाँ कमरे में किसी से मिलने आया था। किसको? किसको मिलने आया था? वो तो मुझे नहीं पता साहब, मैंने उसे नहीं देखा। सर लड़की झूठ बोल रही है, इसने प्लानिंग करके इस राजा को मार दिया। नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने नहीं मारा इसे। फिर किसने मारा है? मुझे नहीं पता साहब, राजा ने मेरे को बोला था कि कमरे का पिछला दरवाजा खुला रखना, कोई आने वाला था। उसने ये भी कहा था कि वो आदमी आकर दरवाजे पर एक रुमाल टांग कर जाएगा ताकि पता चल जाए कि वो आया है और मैं जाकर राजा को बता दूं। साहब मैंने तो वही किया, मैंने जाके राजा को फौरन बता दिया, उसे यहाँ लेकर आई और उसके बाद तो मैं वापस चली गई। सर फिर जो आदमी यहाँ पे आया था उसी ने गोली मारी होगी। किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी? नहीं सर। नहीं सर। बड़ा शातिर खूनी है, पीछे के दरवाजे से आया, रुमाल डाल के इशारा किया कि मैं आ गया, मेकअप रूम में आके राजा को गोली मारी और बाद में बुलेट भी लेके गया। राजा ने मिलने के लिए बुलाया था, इसका मतलब कोई जान पहचान वाला ही आदमी होगा। अगर बेचारे को मालूम नहीं था कि इस बार वो जान पहचान वाला आदमी इसकी मौत बन के आ रहा है। तारिका कुछ बताया नहीं सालुंखे ने? सर मुझसे सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने कि आने में एक और घंटा लग सकता है। एक और घंटा? तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? हम भी तो एक घंटा लेट आते। सर 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 क्या क्यों नहीं बताया हमको? सर पता नहीं। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, लेकिन क्या बताऊं, इतनी भयानक बारिश हो रही है कि बस ट्रैफिक में फंस गया मैं यार। बारिश हो रही? हाँ बताओ, हम जब घर से निकले तब बारिश नहीं हो रही है? ये देख सारूखे, इस लाश को भी हम बारिश में ही लेकर आए, समझे? अरे यार बात समझने की कोशिश करो मेरी यार तुम। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला इतनी जबरदस्त बारिश आ गई, सामने देखा तो एक गाड़ी उल्टी पड़ी थी, बस फंस गया ट्रैफिक में। और वैसे भी मुझे तो नहीं मालूम था कि तुम लाश लेकर क्या। हाँ क्या क्या हुआ है? चौंक क्यों गया तू लाश को देखकर? नहीं नहीं यार, मैं दरअसल इसके घाव को देख करके जाऊंगा। लेकिन सर ऐसा क्या है इस घाव में? बस एक बात पक्की है,
इसके घाव को देखो, ऐसा लगता है किसी ने इसे बहुत नजदीक से गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। हो हो, अरे 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 अरे, ये तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है, काफी नजदीक से। अरे यार, ये तो हमारी समझ में ही नहीं आया। ये देख साळुंखे, हम इतने बुद्धू नहीं, हम भी समझते हैं ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। यार कुछ ऐसी बात बता जो सिर्फ तू जानता है, सिर्फ तू, समझे? यार ऐसी बात बताने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, सारे टेस्ट करने पड़ेंगे ना, प्लीज। मतलब तू कुछ नहीं बता सकता है ना? नहीं अभी तो। तो फिर साळुंखे एक बात याद रख, इतने सालों में ये एसीपी साळुंखे के पास आकर खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसे किसने गोली मारी? सर, सर कोई प्रॉब्लम है? नो 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 प्रॉब्लम, नो। सर क्या आप इसे जानते थे? कमाल करती हो तारिका, मैं इसे कैसे जानूंगा? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। I'm okay. So you sure? Yeah, I'm sure. हाँ, वो इसके मर्डर की क्या डिटेल्स है? हाँ सर, मैं बताती हूँ। ओके। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सुबह से लगे हो इस राजा के फाइल के पीछे, खुल नहीं रही है क्या? सर ये फाइल ब्लॉक दिखा रहा है। ब्लॉक दिखा रहा है मतलब? ऐसे कभी हुआ नहीं था? पता नहीं सर, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली लेकिन ये फाइल खुली नहीं रही। मतलब राजा का फाइल है हमारे पास लेकिन हम खोल नहीं पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने राजा की फाइल को हैक किया हो? हो सकता है सर, वरना आज तक सीआईडी की कोई भी फाइल ब्लॉक नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, निखिल क्राइम ब्रांच में फोन करो और उनको राजा की फाइल के बारे में बताओ और पता लगाओ कि ये फाइल क्यों नहीं खुल रही है। सर हेलो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। सीआईडी के डाटाबेस को कोई हैक कैसे कर सकता है? सर होना हो ये किसी बड़े क्रिमिनल का काम है। सर सब लोग फाइल के बारे में बताने से मना कर रहे हैं और पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं। क्या, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मामला है। आप हैं कौन? विक्रम, क्राइम ब्रांच। विक्रम क्राइम ब्रांच से? क्या सीक्रेट मामला है ये? सर जिस आदमी की फाइल आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अंडरकवर कॉप था। क्या, राजा क्राइम ब्रांच का अंडरकवर ऑफिसर था? सर उसका नाम राजा नहीं, रोहित था। रोहित और नीरज दोनों ड्रग रैकेट पर काम कर रहे थे। रोहित और नीरज? ये नीरज कौन है? नीरज भी अंडरकवर कॉप है। ये नीरज इस वक्त कहाँ है? सर पता नहीं। रोहित, रोहित ने आखिरी बार कब रिपोर्ट किया था क्राइम ब्रांच को? सर परसों। परसों कहाँ से? क्रांति चौल के पीसीओ से। क्रांति चौल वाला पीसीओ? इसे मारा किसने होगा? सर मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? सर कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, तुम करो जो कर रही हो। यू श्योर सर? 100% श्योर, जाओ तुम। ओके। Thank you.
कैसे हो सकता है? ये बाल अगर इसका नहीं है तो फिर कहीं ये बाल ना। शक सही निकला। डिलीट कर दी, मगर क्यों? ताजा माल 12 रुपए किलो। आओ साहब, क्या दे दूं? आलू, गोभी, टमाटर, भजिया, क्या चाहिए आपको? बारिश के मौसम में एकदम ताजा माल है साहब, बताओ क्या दे दूं? राजा? कौन राजा? देख, तू अच्छी तरह से जानता है कौन राजा। सीधे सीधे बता दे काम। अरे कुछ नहीं, ये आदमी खाम खाम पका रहा है, है? किसी राजा को पूछ रहा है, मैं जानता नहीं हूँ। अरे राजा राजा भैया, हम क्या कर लेगा तू? नहीं तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? आवाज नहीं बिल्कुल। तेरे को राजा से मिला ना, चल मैं मिलवाता हूँ तेरे को राजा से। पता नहीं डीसीपी साहब घर पे होंगे या नहीं, गाड़ी तो यही है, घर पे होंगे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सर एक बहुत जरूरी काम है। कौन है नया छोकरा? कुछ काम है, भाई से मिलने आया है। भाई से? हाँ भाई विजय बोल दे। तुधर रुक, मैं भाई से बात करके आता हूँ। चल हाथ ऊपर कर। क्यों, क्या हुआ? अबे हेकड़ी मत दिखा, चल हाथ ऊपर कर। चलते घूम घूम घूम। एक आदमी आया है, राजा को पूछ रहा है। कौन है? ये तो नहीं बताया उसने, बस राजा राजा की रट लगाए बैठा है कब से। अच्छा देखो तो मैं भी राजा का कौन दीवाना है। अनस क्या रहे लो? क्या काम था राजा से? तेरे को क्यों बताऊं, तू राजा है क्या? ए होश में है ना? बॉस है बॉस,
उड़ा देंगे तेरे को इधर ही। चलना बहुत देखे उड़ाने वाले। तुझे राजा को बुला। उड़ा दो क्या बॉस? हे समझाना इसको, ये गनमैन से नहीं डरने वाला। ऐसे खिलौने से बच्चे खेलते हैं हमारे घर पर। बॉस बहुत डायलॉग दे रहा है ये, क्या करूं इसका भी? शांत रहे। क्या काम था राजा से? पैसे लेने थे। कैसे पैसे? राजा को मालूम है तो बुला उसे, मेरे पास टाइम नहीं है। समझ ले कि तेरे पैसे डूब गए। मतलब? मतलब ये कि राजा का मर्डर हो गया। अच्छा तो धीरू होगा उसका पार्टनर, वो दे देगा पैसे। मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अब सही बोला तू, जा जाके जुगनू बार में ढूंढ उसको, उधर ही मिलेगा तेरे को। निकल। तू पिस्तौल अंदर रखा कर, चल जाएगी आवाज से डर जाएगा। हेलो, हाँ सुनो, क्रांति चौल में पूरा गैंग है, सारे ड्रग्स यहीं से सप्लाई होते हैं, सभी गैंग मेंबर्स यहीं पर हैं, सबके सब पकड़े जाएंगे। क्रिएट करो इमीडिएटली। ओए सवारी थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं कहा हूं? रोहित का खून हो गया, जल्दी मिलो सीआईडी। रोहित का खून हो गया? कुछ पता चला डिलीटेड फाइल्स के बारे में? मैम मैं चेक कर रहा हूँ मैम, अब थोड़ा टाइम तो जाएगा ना मैम। हाँ। आप प्लीज वेट कीजिए मैम, प्लीज। ओके, लेकिन प्लीज आप जल्दी ट्राई कीजिए। हाँ प्लीज। ओके मैम, ओके मैम। सर उठाइए, कब से ट्राई कर रही हूँ, सर फोन भी नहीं उठा रहे। मिला कुछ? हाँ नहीं मैम, कुछ नहीं मिल पा रहा और लगता है कुछ मिलेगा भी नहीं मैम। अरे ऐसे कैसे, आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए ना प्लीज। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया मैम, आई एम सॉरी मैम। क्या हुआ तारिका, ये कंप्यूटर इंजीनियर क्यों आया था, कुछ गड़बड़ है कंप्यूटर में? हाँ सर, मतलब नहीं कंप्यूटर में सर वो। हाँ तारिका, हाँ नहीं क्या बात, क्या है, कुछ गड़बड़ है? नहीं सर। अरे ये कहाँ गया सारू के, कहाँ गया, फिर से बारिश में भिगने गया, बुलाओ उसे। पता नहीं सर। पता नहीं का मतलब, सारू के कहाँ है तारिका, सारू के कहाँ है? सर सारू के सर ये राजा की बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे ना, तो इसके कपड़ों पे से उन्हें एक बाल मिला, तो जब ये बाल उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि ये बाल राजा का है ही नहीं। किसका बाल था वो? वो तो अभी तक पता नहीं चला सर, लेकिन फिर वो इस कंप्यूटर पर आए और अचानक कुछ करने लगे और बहुत घबरा गए सर, और यहाँ से जाने लगे। मैंने उन्हें आवाज भी लगाई, बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो बिना मुझे कुछ बताए बस यहाँ से चले गए। फिर मैंने जब ये कंप्यूटर देखा तो कुछ फाइल्स डिलीट हो रही थी सर, सालों के सर जाते जाते कुछ फाइल्स डिलीट करके गए। क्या कहा, सालों के ने फाइल्स डिलीट की? कौन सी फाइल्स थी वो, कुछ पता चला तुम्हें? सर कोई आइडिया नहीं है मुझे, फोन करके देखता हूं मैं उसे। फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा ये। सर मैंने भी बहुत बार कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। सर की फोन उठा नहीं रहा है, क्यों क्यों फोन उठा नहीं रहा है ये सर के? और फिर कौन सी फाइल डिलीट की उसने, कौन सी फाइल और क्या था उस फाइल में जो सर के इतना डर गया? Thank you.
रोहित का खून डांस बार के मेकअप रूम में हुआ था। हाँ तुम्हें पता है किसने किया? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। उसे कुछ बताया कि वो वहाँ उस डांस बार में किससे मिलने जा रहा है? नहीं, लेकिन दो तीन दिन से वो काफी परेशान था। किस बात को लेकर? मैंने पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो टेंशन किस दिन के बाद शुरू हुई उसके लिए? अब कुछ हुआ था क्या? दो तीन दिन पहले एक चाय के गुमटी पे बैठ के हम लोग दोनों चाय पी रहे थे, फिर रोहित किसी से फोन पे बात करने के लिए पीछे जाके खड़ा हो गया। उसने चाय वाले को बड़े गौर से सुना, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसके बाद रोहित टेंशन में आ गया और अजीब सी हरकत करने लगा। चाय वाला फोन पे? अच्छा, उसे बताया क्या सुना उसने? मैंने पूछा था उससे लेकिन वो टाल गया। उसी टाइम डाउट हो गया था चाय वाले पे। चाय वाले से पूछते हैं। हाँ निखिल। हाँ बोलो। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सर इसके हिसाब से सालुकी सर का फोन मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पर, मतलब यहाँ आसपास ही कहीं है। सर ये तो कोई रेसिडेंशियल एरिया लग रहा है। सर जीपीएस के हिसाब से उनका फोन इसी रोड पे होना चाहिए। क्या हुआ सर? सलों के साथ की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? डीसी साहब के घर में? चलो अंदर चल के देखते हैं। सर सालुम के सर की गाड़ी यहाँ है मगर वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सर उनका फोन भी नहीं है गाड़ी में। सालुंदर साहब डीसीपी साहब से मिलने क्यों आए? क्या बात हो सकती है? सर अगर वो डीसीपी सर से मिलने आए हैं तो फिर वो गायब कहाँ हो गए? अंदर चलकर डीसीपी साहब से पूछते हैं। सब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सर जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना सालों के सर फोन ना उठाए और डीसीपी सर दरवाजा ना खोले, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा हटो तुम लोग पीछे। डीसीपी साहब। सालों के सर। सालों के सर। डॉक्टर साहब। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सालुंके सर की गाड़ी बाहर खड़ी है, मतलब उनको अंदर होना चाहिए, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। एक काम करो, जरा अंदर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। सालुंके साहब। सालुंके सर। डीएनए रिपोर्ट तो ये बाल। सर ये क्या हुआ? सर पता चल गया कि राजा यानी रोहित का खून किसने किया? किसने? डीसीपी साहब ने। क्या? डीएनए रिपोर्ट पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। सारी पहेलियां यहीं पे आके सुलझ रही है। इस बाल के टुकड़े का डीएनए डीसीपी सर के डीएनए से मैच हो रहा है? हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि डीसीपी साहब ने रोहित का खून किया है। सर उस कमरे के ड्रॉर से ये बुलेट मिली।
ये चली हुई बुलेट डीसीपी साहब ने अपने घर पे छुपा के क्यों रखी है? सर, सर यहाँ आइए सर। आने के? सर, ये देखिए सर। चश्मा डॉक्टर सालू के निखिल इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। निखिल सुना नहीं तुमने? हाँ खड़े क्या हो यहां पे? तुम ड्यूटी पे हो, इस कमरे को चेक करो, देखो कोई गोली या हथियार मिलता है। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। सर सालों के साहब के चेहरे को किसी ने, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये लाश सालों के की है। लाश को फोरेंसिक लैब भेजने तारिका, देखो समझने की कोशिश करो, दुख तो हमें भी है, हम भी दुख होता है, लेकिन अब तक हमें ये पता नहीं चला है ना कि ये लाश सारुंके की, इसीलिए डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है तारिका, डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सर मेरा दिल कहता है कि सालूके सर नहीं हो सकते। दिल तो मेरा भी यही कहता है कि सालूके नहीं है, मगर क्या करें, इस दिल को समझाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सबूत चाहिए। डॉक्टर तारिका, आप जल्दी से चेक करके बता दीजिए ना कि ये जाड़ों के सर नहीं है, बता दीजिए। आ तारिका चलो। बहुत गलत किया तूने दोस्त, बहुत गलत किया। वापस आ रहे, वापस आ जा मेरे दोस्त, सड़ूंगे वापस आ जा यार।
सारंगी। अरे दोस्त, अपनी दोस्ती की कसम, जिसने भी तुझे किया है ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डीसीपी चित्रोले के घर से जो बुलेट मिली थी वो चेक की? हाँ। क्या हुआ? हाँ? ऐसा क्यों देख रहे हो मेरे तरफ? मैंने पूछा वो बुलेट जो डीसीपी साहब के घर पे मिली उसका क्या रिपोर्ट है? मैंने चेक की। क्या रिपोर्ट है? उस बुलेट पे मुझे खून के निशान मिले, जो जो राजा मतलब रोहित के खून से मैच होते हैं। रोहित यानी राजा के खून से मैच होते हैं, मतलब मेरा शक सही है। सही है मेरा शक। सर, आपको लगता है कि डीसीपी सर ने? सर, हम लोग दिन रात अपराधियों को पकड़ते हैं, अगर उनकी किसी से दुश्मनी होगी तो हमसे होनी चाहिए थी। डॉक्टर सालुंके को क्यों मारा सर? उनका दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन कोई घर का ही है दया, घर का ही है। घर का? हाँ, घर के भेदी ने ही लंका ढाई है दया, और ये घर का भेदी है डीसीपी चित्रोले। डीसीपी चित्रोले? हाँ दया, डीसीपी चित्रोले। मगर सर, डीसीपी साहब के डॉक्टर सालुंके के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? दया, सालुंके को जरूर कोई सबूत मिला होगा डीसीपी साहब के खिलाफ। सर, अगर ऐसी बात है तो डीसीपी साहब को जवाब देना ही पड़ेगा। सारुंखी के मौत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी डीसीपी चित्रोले को। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं उनको। लेकिन सर, उनका पता कैसे चलेगा? डीसीपी साहब का तो फोन भी ट्रेस नहीं हो रहा है। एक रास्ता है सर डीसीपी साहब तक पहुंचने का। कौन सा था? सर, नीरज ने मुझसे कहा था कि वो और राजा और रोहित ने उस चाय वाले को फोन पे बात करते हुए सुना था, जिसे सुन के रोहित वहां से चला गया। उसके बाद डीसीपी साहब ने रोहित का खून कर दिया। चाय वाला? अरे सुनो जरा, इधर आओ। सर, दो मिनट लगेंगे, चाय वाले हैं नहीं अभी। चाय वाला नहीं? इधर आ सर। जी सर। तुम कौन है? ये मुझे दुकान देखने के लिए बुला था सर। तो है कहाँ ये चाय वाला? मालूम नहीं साहब, एक आदमी आया था उसके साथ कहीं गया था। कौन आदमी था? मेरे को मालूम नहीं साहब। दिखने में कैसा था? उम्र वाला था साहब, और सूट वूट पहने हुए अच्छे घर का मालूम होता था साहब। आवाज कड़क थी उसकी? हाँ साहब, और आंखें भी बड़ी बड़ी थी, शेर की तरह घूर रहा था, जैसे कि मालूम अभी खा जाए। ये था? हाँ साहब, यही तो था। अच्छा, ये आदमी किस तरफ लेके गया चाय वाले को? इधर ले गया साहब, अभी ले गया था। अजित, गाड़ी तेज है, डीसीपी साहब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यस सर। डीसीपी साहब के सिर पे खून सवार है, कहीं उन्होंने चाय वाले को भी? रोहित और सारुंगे साहब के साथ जो हुआ है उसे देख के लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ अजित, गाड़ी क्यों रोकी? सर, यहाँ से रास्ता दो तरफ जाता है, समझ में नहीं आ रहा कि डीसीपी किस तरफ गए होंगे। ये रास्ता तो बस्ती की तरफ जा रहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इधर तो गए नहीं होंगे। सामने रास्ता सुनसान है, इधर ही गए होंगे। सामने ले साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आज सब साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो। नहीं मालूम है? मुझे जाने दो। नहीं मालूम है? मुझे जाने दो। आप नहीं मालूम है? मैं बोलता हूं डीसीपी चित्रोले को मारने वाला पैदा हो गया, और डीसीपी को मालूम नहीं?
है? कौन है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। हिरण्यकश्यप को भी मालूम नहीं था कौन उसे मारने वाला है, मगर मैं अपना हिरण्यकश्यप नहीं होने दूंगा। कौन है? कौन है? सर मुझे नहीं मालूम सर, सर सब मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मरने के लिए तैयार हो चुके सब, ये क्या सब? सर मुझे माफ करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी खोपड़ी में छेद होने के लिए 2 सेकंड बाकी है। डीसीपी साहब की कार? बोल दे कौन, कौन मरने वाला है? मुझे सब मुझे कुछ नहीं बोल। डीसीपी साहब रुक जाइए सर। अभी तुम यहां पे? नो 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 सर, सर प्लीज। ये क्या कर दिया आपने है? क्या कर दिया? क्या कर दिया? इसको गोली मार दी, मार दिया आपने। आप पूछ रहे हैं क्या किया? पेंट हो गया सर, बेहोश हो गया। बेहोश हुआ है? राजू चेक करो सर। नहीं 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 सर प्लीज, गोली चल जाएगी। है मुझे गोली मारेगा सर? डीसीपी चित्रोले को गोली मारेगा? हाँ। क्या बकवास कर रहा है सर? गन दीजिए। मालूम है किससे बात कर रहा है सर? गन दीजिए प्लीज। सीआईडी में रहना है कि नहीं? वो सब बाद में देखा जाएगा। डीसीपी चित्रोले गन दीजिए। तुम्हारे दिन भर गए सीआईडी में अभिजीत। क्या हुआ सर? ये तो मर गया। मुझे लगा था सिर्फ पेंट हो गया है, बेहोशी था। चलिए सर। गोली की आवाज सुनते ही बेहोश हो गया कायर, और फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। मुझे बचा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो सर। क्या मेरी बारात निकल रही है और बोल रहा जाने दो? आपके हाथों गोली चली है सर। अब आप? किसने कहा मैंने गोली चलाई? गोली इसने चलाई, ये खुद चला ली है ना? अरे साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे मार देंगे साहब, मुझे मार देंगे। वो आज अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा। ये सीआईडी ब्यूरो है सर। तो मैंने कब कहा मेरी ससुराल है? यहाँ पर किसी पे अत्याचार नहीं किया जाता। इस चक्कर में मेरा बैंड मत बचा देना। रोहित का खून मैंने नहीं किया है, इसने किया है, इसे पकड़ो। सर रिपोर्ट आ गई? जी सर। क्या लिखा? देखो वो तारिका इनसे मत डरो, ये तो हमारे डीसीपी चित्रोले साहब है। लाओ तारिका। जब डीसीपी यहाँ पे खड़ा है तो एसीपी को रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये रिपोर्ट एसीपी ही पढ़ेगा। बताओ तारिका, जब मैंने कहा था कि जो गोली आपको डीसीपी सर के घर से मिली है वो गोली डीसीपी सर के गन में से ही चली है। सुन लिया डीसीपी चित्रोले साहब? तारिका मैंने रोहित का खून डीसीपी सर ने ही किया है। तुम सब लोगों ने अपनी ईमानदारी प्रद्युमन के टोकरे में रख दी है और ये उसे बेचे जा रहे हैं, मगर तुम भूलना नहीं, तुम सब लोगों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैं लिखता हूं। तुम सबका करियर बर्बाद कर दूंगा, सबका, सबका करियर और तुम्हारा। वो सब बाद में देखेंगे सर, अभी आपको रोहित के खून के जुर्म में कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। You are just a senior inspector, अभिजीत। चित्रोले साहब, आपका एक ये दाय किया हुआ बात रोहित की लाश पर कैसे पहुंचा? वो आपकी गन से चली हुई गोली पे रोहित का खून कैसे लगा सर? किसी ने वो लगा दिया सर। आप रोहित से मिले थे ना? हाँ मिला था। क्या बात हुई, क्या बताया रोहित ने? उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है,
सर हमने तो सुना है कि डीसीपी चित्रोले के नाम से अपराधी कांपते हैं। और क्या, ये वैसे महान डीसीपी चित्रोले की जान को खतरा है? वैसे सर रोहित ने आपको बताया नहीं कि कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है? बताया नहीं, नहीं बताया। तो फिर कौन जानता है? देखो एसीपी प्रदुमन सर, कौन जानता है फिर? ये जानता है। फिर बताया, सब मुझे फंसा रहा था, मैं कुछ नहीं जानता साहब। ए चुप, एक्टिंग बंद कर, बोल क्या मालूम है तुझे? वो डीसीपी साहब ने मुझे बोला था। क्या बोला था, क्या बोला था डीसीपी साहब? बोला था रोहित तेरे पास आए तो जोर से बोला कि डीसीपी साहब का मर्डर होने वाला है। क्या इन्होंने इन्होंने बोला था सब, ताकि रोहित डीसीपी साहब को बोले जाकर साहब ने मुझे जैसा बोला मैं वैसा किया, मैं कुछ नहीं जानता साहब। डरो मत, डरो मत, जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोल, डरो मत। सब लोग सिखा दो उसको, डरो मत, एक एक को देखूंगा अभी सबको। डीसीपी साहब के गिरफ्तारी की तैयारी करो और अरेस्ट करो इन्हें। एक मिनट एसीपी सर, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। केडी मालूम है, केडी पाठक आप यहां कैसे? सर सीआईडी के विरुद्ध डीसीपी साहब का केस अदालत में मैं लड़ रहा हूं। कागजात सुना? आप घबराइए मत डीसीपी साहब, मैं जानता हूं आप निर्दोष हैं और अदालत में मैं ये बात साबित भी कर दूंगा। थैंक यू, हमेशा की तरह जीत सच्चाई की होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।